हम स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो स्युतपद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सघना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सागना ललिता शिवशाखावतांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेस्तान्ने वाञ्छाकल्पद्रुवशा कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिकाकांता राधाकांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वीणाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसारियां करुणा कर प्राण दे तब सुनो प्यार गुरु मिलना। तो शिवम प्रभु कहाँ पे थे हम लोग, कैटेगरी कौन से चैप्टर कौन से वर्ष पे थे? आप म्यूटेड हैं प्रभु जी। 8th चैप्टर प्रभु जी, टेक्स्ट 47 से करना। जस्ट कंफर्मिंग इट। 8.47। ओके okay। नंबर श्लोक चल रहा माता हाँ जी, 8वें चैप्टर का 47 नंबर श्लोक। अभी जस्ट प्रभु जी अभी जस्ट आए हैं, कुछ मिस नहीं हुआ है उनका। ओके 8.47 हाँ। सेवन 8.47। ओके चलिए इसको मैं विद्यावेश में भी दिखा देता हूँ। फोर्टी सेवन राइट। अरे ओके 47 आ गया। 1.8.47 आह राजा धर्मसुतस् चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेह मोहवशं गतः। पढ़िए इसका अर्थ। कोई हिंदी में है इसका? हिंदी में 1.8.47 हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए मत भाई। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य प्रभु, नहीं तात्पर्य मत पढ़िए इसका। तो उसमें
युधिष्ठिर महाराज, वो क्योंकि इतने सारे उनके मित्र बंधु पुत्र पौत्र इतने लोग मारे गए थे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से युधिष्ठिर महाराज शारीरिक चेतना में आ जाते हैं ना। तो प्राकृते ना आत्मना, तो वो कैसे हैं, वो आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक चेतना वाले हैं, किंतु अभी वो भौतिक चेतना से पूरी तरह से ग्रसित हो गए थे, इसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे थे क्या आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ नहीं देख पा रहे थे। पर ये सब क्यों हो रहा था, ये सब हो रहा था क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मरे महाभारत के युद्ध में, और इसी वजह से वो शोक संतप्त थे। और उस अवस्था में वो क्या बोलते हैं, अहो मैं पश्यतां पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म रुदात्मनः पारक्यस्य देहस्य बहवयो मे छोड़ी छोहिड़ी हता। इसका अर्थ होता है, दोनों पढ़िए। हाँ ऋतु आपके पास है ना, हाँ हरे जी। कृष्ण। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तात्पर्य 21,870 रथों और 21,870 हाथियों और 1093, प्रभु जी नहीं, 350 एक लाख नौ हजार पैदल, तीन सौ पचास हाँ पैदल तथा 65,610 घुड़सवार का व्यू अक्षोहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षोहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बिठाने हेतु लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के पश्चात यही कुत्तों तथा शिगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। हरे कृष्ण। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज को क्या लग रहा था, उनको लग रहा था कि सिर्फ मुझे सिंहासन बैठाने के लिए इतने लोग मारे गए, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अंत में खत्म होने वाला है। या तो राख में बदल जाता है जैसे हिंदुओं के में होता है, या फिर वो मिट्टी में बदल जाता है, या फिर चील कौए इसको खा जाते हैं। तो उस तरह शरीर तो टेम्पररी है, वो वैसे भी नष्ट होने वाला है, पर इस शरीर को एक इंद्रिय तृप्ति देने के लिए इतने सारे लोग मारे गए, तो वो सोच रहे थे कि मैं बहुत पापी हूं और मेरे कारण ये सब हुआ है। जबकि सत्य ये है कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं चाहते थे, कृष्ण युद्ध चाहते थे। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बैठाना चाह रहे थे सिंहासन पे, इस कारण से कि युधिष्ठिर महाराज जैसे परम भक्त अगर राजा बनेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान के भक्त बन जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होती है। गवर्नमेंट लोगों को नास्तिक भी बना सकती है, अस्तिक भी बना सकती है, किसी को प्रचार प्रसार में हेल्प कर सकती है, किसी को एकदम बंद कर सकती है। चाइना में जब माओ का राज हुआ था, माओ ने गवर्नमेंट को ओवरटेक किया था, तो तुरंत उसने सारे जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी सब बंद कर दी, वहां पे जो मॉन्क्स रहा करते थे ब्रह्मचारी जैसे,
उन सबको घर में भेज दिया और सारा धर्म कर्म सब बंद कर दिया। तो उस तरह से एक राजा के पास बहुत शक्ति होती है, और राजा अगर कृष्ण भावना भावित है तो प्रजा ऑटोमेटिकली कृष्ण भावना भावित हो जाती है। जैसे हम देखेंगे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लोगों को भक्ति भाव दिखाने में बड़ा डर लगता था। तो मैं भी जब यहाँ पे जा रहा था अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो तिलक ला के मिटा रहा था, फिर देखा कि कुछ टीचर लोग हैं जो लोग फॉलो भी नहीं करते प्रिंसिपल्स, वो पूरे सर पे चंदन लगा के घूम रहे हैं। तो हमने कहा जी पूरे सर पे चंदन लगा सकते, मैं तिलक तो लगा ही सकता हूँ। और कारण क्या है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, वो उन्होंने काफी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रमोट की, तो अभी भक्ति करने में लोगों को डर नहीं लगता है। तो कृष्ण इसलिए कर रहे थे, पर युधिष्ठिर महाराज को क्या लग रहा था, अरे मेरे जैसे व्यक्ति को राजगद्दी पे बैठाने के लिए इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी तो मैं कितना बड़ा पापी हूं। उसको नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। बल द्विज सुहृन मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रोह नमेस्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्षा युता युत है। पढ़े इसका भी अर्थ। गुरु कृष्णा, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। गुरु कृष्ण, हाँ, तो इतने सारे आप देख सकते हैं कि एक अक्षौणी में इतने सारे लगभग अगर देखा जाए तो 2-3 लाख सोल्जर्स हैं, और वहां पर तो हाँ 6 अक्षौणी साइड थी, नहीं, 7, हाँ 6 अक्षौणी, और उस साइड कितनी थी, ऑलमोस्ट 12, तो 18 अक्षौणी सेना थी। तो 18 अक्षौणी सेना सिर्फ 13 दिन में समाप्त हो गई। तो इस तरह से इतने सारे लगभग हम बोल सकते हैं 36-37 लाख, 8 या 50 लाख के आसपास जो लोग थे वो मारे गए। तो कहने के मेरी वजह से इतने लोग मारे गए, ब्राह्मण, हमारे मित्र, ताऊ, चाचा, ये वो सब लोग मारे गए, तो इसकी वजह से मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो संताप संतप्त हो जाते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधो दिशाम इति मे ना तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। पढ़े इसका भी अर्थ। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हरे कृष्ण, तात्पर्य धन्यवाद, अनिता तो रहने दीजिए मुझे। तो वो मन ही मन में क्या सोच रहे थे, क्योंकि वो धर्म के राजा हैं तो वो सब कुछ धर्म के आधार पे सोच रहे थे, कि हालांकि अगर राजा किसी न्याय के लिए चीजें ऐसी कर रहा है तो उसको पाप नहीं लगता है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे स्वार्थ के कारण लोग मारे गए हैं। तो इस तरह से वो मन में सोच रहे थे। तो ये भक्तों की नम्रता है, वो अपनी नम्रता के कारण ये सारे के सारे विचार उनके मन में आ रहे थे। तो अगर अपने शत्रु को मारना कोई पाप नहीं है, हाँ, खासकर प्रजा की रक्षा के लिए अगर मान लीजिए किसी राजा को शत्रु का नाश करना पड़ता है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो खासकर अगर कोई किसी के प्रजा को मार रहा है तो प्रजा की रक्षा के लिए कोई मार सकता है, फिर वो क्या सोचते हैं। लेकिन दुर्योधन तो प्रजा को नहीं मार रहा था, दुर्योधन तो प्रजा की रक्षा कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, मात्र अपने स्वार्थ के लिए मैंने क्या किया,
इतने इतना घोर पाप किया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो इस तरह से सोचने लगे। हालांकि उसका रियल, जैसे हमने रीजन बताया, वो ये था कि भगवान की दृष्टि से तो ये शरीर कैसे क्षणिक है, आज आए कल चले जाएंगे, लेकिन मुख्य चीज क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। तो ये कृष्ण को पता था कि भले ही धर्मार्थ काम मोक्ष के हिसाब से देखा जाए तो दुर्योधन भी अच्छे से राज कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, वैष्णव दृष्टिकोण से देखेंगे, तो दुर्योधन क्या कर रहा था, कर्मकांड कर रहा था, बाकी लोगों को भी कर्मकांड के लिए प्रेरित कर रहा था। भक्ति से और भक्तों से उसको बहुत घृणा थी। तो कृष्ण चाहते थे कि सब लोग कृष्ण भावना भावित भक्त बने, ना कि इस तरह के मात्र धर्म के कर्मकांडी बने। इसी उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाया। शिवम प्रभु, यू हैव क्वेश्चन? तो जी, इन द वर्स नंबर 49, व्हाई हाउ कम ब्राह्मणास आर मेंशन, लाइक ब्राह्मणास तो फाइट करने नहीं जाते थे ना? हाँ, पर ये यहाँ पे ब्राह्मण का जो वो प्रयोग हुआ है वो इनके लिए हुआ है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सो अश्वी द्रोणाचार्य वास किल्ड ना, सो ही केम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्राह्मणस। ठीक थैंक है, यू. स्त्रीणां मत धत् बंधूनां द्रोहो यो असा विहोत्थितः कर्मभिर्ग्रह मेधीये नाहं कल्पतो व्यपोहितुम्। इसका पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण, कृष्ण. मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याणकार के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है. तात्पर्य, ये मेदी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याणकारी करना. कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याणकारी कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक करते हुए तो पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है. ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है. वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है. युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों को करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है. यदि मैं पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है. इस प्रकार प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता. कर्म का विधान ही ऐसा है. ये ऐसी क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है. इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है. भगवद गीता 9.27.28 में इसका निवारण सुझाया गया है. समूह के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए. वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है. और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे. अतएव पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि ये भगवान के आदेश वाहक थे. अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं उन पर ही सारा दोष आता है. हरे कृष्णा. धन्यवाद। तो इस तरह से अभी युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि कैसे भले ही मैंने अश्वमेध यज्ञ किए हों, उन्होंने 3 या 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म हत्या तक के पाप से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, पर युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, लेकिन युद्ध के कारण इतने सारे लोग मेरे शत्रु बने हैं, तो कुछ ना कुछ युद्ध चलता रहेगा और इस तरह से लोग मरते रहेंगे।
और दूसरा बात यह है कि अश्वमेध यज्ञ से पापों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कितना ज्यादा हो मैं पापों से बच सकता हूं, क्योंकि जो भी मैंने इतने लोगों को मारा था वो लोग युद्ध करते रहेंगे, पाप बढ़ते रहेंगे, कितना अश्वमेध यज्ञ मैं करूंगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं होने वाला है, पापों के कारण मुझे नरक जाना ही पड़ेगा। तो कर्म कांड की दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज भी देख रहे हैं, और ये वही गलती कर रहे हैं जो अर्जुन ने महाभारत काल में की थी। अर्जुन पहले युद्ध करने से क्यों मना कर रहा था? क्योंकि जहां तक धर्म शास्त्रों की बात आती है, धर्म शास्त्रों के अनुसार अर्जुन का युद्ध करना साथ उतना उचित नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्मदेव जैसे महान लोग दूसरी साइड में थे, उनको मारना उचित नहीं था। और इसीलिए अर्जुन कैसा था? अर्जुन कंफ्यूज था। एंड में कृष्ण जब बोलते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरे आश्रय में आ जाओ और मेरे लिए युद्ध करो, तो अर्जुन ने बोला कि अरे आपके लिए करना है तो आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए धर्म शास्त्र के अनुसार यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी कंफ्यूज है, सेम गलती कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि धर्म शास्त्र के अनुसार मैंने उचित काम नहीं किया, पाप किए हैं, पाप को भी हम लोग अश्वमेध यज्ञ से विनष्ट नहीं कर सकते हैं। पर युधिष्ठिर महाराज ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये सारे काम मैंने कृष्ण के लिए किए थे, कृष्ण चाहते थे युद्ध हो, तो मैंने जो युद्ध किया वो उचित किया, वो अभी ये नहीं सोच पा रहे। तो सेम गलती वो भी कर रहे हैं। यथा पंकेन पंखाम्बः सुरेया वासुराकृतम् भूत हत्याम तथा वे काम ना यज्ञेर मार्ष्टु मर्हति। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, जिस हाँ जी, प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। हाँ तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर उपमा दे रहे हैं, क्योंकि श्रुतियों के अनुसार सर्व पापमां तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेध यजेते, किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया है तो ब्रह्म हत्या के पाप से बच सकता है। पर वो कह रहे नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता हूं। क्यों? जैसे अगर मान लीजिए मटमैला पानी है, कीचड़ का पानी है, उसको अगर आप कीचड़ से छानने की कोशिश करेंगे तो कैसे छनेगा? कीचड़ बढ़ता जाएगा। तो वो कर्मकांड है, दूसरा कर्मकांड है। कुछ लोग मारे गए, उसके लिए अभी मैं अश्व को भी मार दूं, तो हत्या के बदले हत्या करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी घड़े में मदिरा रखी हुई थी, अब मैं उसको मदिरा से ही धोने की कोशिश करता हूं, और मदिरा से तो साफ थोड़ी ना होगा, वो बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से इतने सारे लोग मारे गए और मैं और जानवरों को उसके लिए मार दूं अश्वमेध यज्ञ करके, गौ में यज्ञ करके, तो उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं, कोई मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। तो इस तरह से सोच सोच के युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे? संताप कर रहे थे। और जैसे कि हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि संताप का मेन कारण ये था कि कृष्ण चाहते थे कि वो इस तरह से रोएंगे, क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार के ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्मांड के एक सम्राट है, और वो सम्राट अभी कंफ्यूजन में है। तो सम्राट अगर कंफ्यूजन में है तो हर कोई चाहेगा कि भाई ये कंफ्यूजन से कब बाहर आएंगे। और यहां पर कृष्ण नहीं चाहते हैं कि वो क्रेडिट कृष्ण को प्राप्त हो, वो क्रेडिट कृष्ण देना चाहते हैं भीष्मदेव को। इसलिए जो अगला चैप्टर है वो है पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। तो ये आप भीष्मदेव की महिमा मानने वाली है। सूतवाच इति भीतः प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया
ततो विनसनम प्रागात यत्र देवे वृतोपतत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। ये 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। हरे कृष्ण। हाँ श्रील जी, सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरसैया पर लेटे थे। तात्पर्य, इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्म देव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्म देव इस मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान की अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म देव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार शरसैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस चैप्टर में भीष्मदेव कृष्ण का दर्शन करेंगे, धर्म के बारे में बोलेंगे। खासकर महाभारत में भीष्म पर्व बहुत बड़ा है। जैसे भागवत में मात्र जो वैष्णव सिद्धांत है उनके बारे में बताया हुआ है। और कारण यह है कि जो भागवतम है, भागवतम वर्णाश्रम धर्म इत्यादि इन सब चीजों पर इतना फोकस नहीं करती है। जो भी है 7वें स्कंद में और 11वें स्कंद में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, बट बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। तो वो सारे डिटेल महाभारत में बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। स्त्री धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, अलग धर्म वहां दिए हुए हैं। तो वो चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि भीष्म देव बोले, तो वो बोलने वाले हैं। फिर उन भीष्म देव कुछ बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें कृष्ण अकम्प्लिश की। पहली चीज क्या अकम्प्लिश की, भीष्मदेव की इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को सिंहासन पर देखें। इसलिए कृष्ण जानबूझ के उनको राजवेश में सजा धजा के रथों पर सवार करा के वहां पे लेके आते हैं, ताकि वो देख सके कि हाँ, मेरा जीवन का जीवन की इच्छा थी कि ये जो पांडव लोग सिंहासन पर बैठे हैं, अब ये लोग राजा बन गए। जनरली कोई अगर मान ली बीमार हो तो हम सर धस के नहीं जाते हैं। शादी में आदमी सर धस के जाते हैं, परफ्यूम वगैरह ला के जाता है। और कोई मरने वाला है, आप सर धस के जाएंगे और परफ्यूम ला के जाएंगे, तो लोग बोलेंगे ये चाहता है कि वो आदमी मर जाए, इसको कितनी खुशी हो रही है। तो इस तरह से लोग उल्टा सीधा सोचते हैं। मैं बल्कि मेरे फादर की वजह से, फादर का भी इस वजह से गड़बड़ हो गई थी। एक रिलेटिव कोई खत्म हो गया और फादर कोई लगे लगे भाई सबको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तो लोगों का थोड़ा मन शांत होगा। तो उन्होंने शुद्ध घी की फूडी वगैरह बटवा दी, वो सब बटवा दिया। जो रिलेटिव के परिवार वाले मारे गए थे उन्होंने उल्टा ले लिए। उनको लगा शायद हमारे रिश्तेदार मर गए हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए इतना सारा खिला पिला दिया। तो लोग उसको उल्टा सोचते हैं, बट फिर भी कृष्ण सारी धाराओं के विपरीत उनको सजा धजा के लेके जा रहे हैं। सुधर भीष्मदेव कैन बी हैप्पी, भीष्मदेव खुश होंगे, तो पहला काम ये करने वाले हैं। दूसरा, भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। हाँ, इसीलिए भीष्मदेव अभी क्या करेंगे, वो जो भी धर्म है, धर्म की सारी फ्रेलिटीज, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, किसका क्या डिटेल है, ये सब अभी बताने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज धर्म सुत है एक हिसाब से, वो भी यू कैन से सन ऑफ ए महाजन, यमराज के पुत्र। और यहाँ भीष्मदेव स्वयं एक महाजन है, उनके बीच में पूरे धर्म का संवाद होने वाला है, वो बताएंगे। फिर जब भीष्मदेव देह त्यागने वाले हैं तो पूरे संसार के लोग, जो बड़े बड़े हम देखेंगे ऋषि, वहां पे इकट्ठे होने वाले हैं। तो उनको कृष्ण सिखाएंगे कि एक भक्त शरीर कैसे छोड़ता है। तो उससे भीष्मदेव की महिमा सब जगह प्रदर्शित होगी और साथ में लोगों के पास चलेगा हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को कैसे छोड़ना चाहिए।
जिस तरह से अपने भक्त के माध्यम से कृष्ण बहुत सारी शिक्षाएं देने वाले हैं इस एपिसोड में। तो इस तरह से जब सब लोग उपस्थित होंगे तो कृष्ण बोलेंगे भीष्म देव से प्रश्न पूछो, उनको सारे धर्म पता है। युधिष्ठिर महाराज शारीरिक चेतना के कारण भूल गए हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, इसलिए जब वो भीष्म देव से मिलने जाते हैं भीष्म देव धर्म के आधार पर उनको बताते हैं क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा, अब हम लोग आगे चलते हैं। तदा ते भ्रातरा सर्वे सदस्व स्वर्णभूषित अनुगच्छन् रथ विप्रा व्यास धौम्या दयस्तथा। इसका सर ट्रांसलेशन पढ़िए क्योंकि हाँ उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा पीछे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यास देव तथा धौम्य जैसे ऋषि पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। श्री कृष्ण तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो सब सजे हुए थे और कारण ये था कि जैसा हमने बताया कि भीष्म देव उनको राजा के रूप में देखना चाहते थे, तो इसलिए कृष्ण उनको सजा दिखा के लेके गए थे। भगवान अपि विप्र से रथेन सा सहनंजय सातेर्व्यारोचक नृपः कुबेर इव गुह्य के। पढ़िए इसका भी अर्थ। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। हाँ, तो एकदम युधिष्ठिर महाराज कुबेर ऐसा लग रहे थे। और प्रभुपाद देखते हैं इसकी तात्पर्य, देखिए पहली लाइन में सेम चीज को, भीष्म देव को खुश करने के लिए कृष्ण उनको सजा धजा के लेके जाते हैं, फर्स्ट लाइन में बोलते हैं। तो इस तरह से और पीछे पीछे कृष्ण आ रहे थे, कृष्ण अग्रणी रोल नहीं ले रहे थे यहाँ पर। दृष्टा निपतितम भूमौ देवस्युतम इवामरम प्रणेमु पांडवा भीष्मम सानुगा सह चक्रणा। पढ़िए इसका अर्थ। श्री कृष्ण आकाश से आ गिरे देवता के सामने उन्हें यानी कि भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट दृष्टि ने अपने छोटों भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण हाँ, तो मान लीजिए किसी देवता का पतन हो गया, वैसे लग रहे थे भीष्म देव, तो ग्रेट पर्सनैलिटी बट इन मिड लेवल स्टेबल, बहुत बड़े व्यक्ति हैं लेकिन अभी पहाड़ों के सैया पे लेटे हुए हैं। और एक्चुअली वो पूर्व जन्म की अगर उनकी वो देखेंगे तो उसके अनुसार वो वाकई में कोई देवता थे जिनका पतन हुआ था, क्योंकि वशिष्ठ, हाँ वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि की जो गाय थी उसको चुराने का प्रयास कर रहे थे सारे के सारे जो भीष्म देव और उनके जो बाद में भाई लोग बने। पूर्व लाइफ में वो कौन थे, विश्वदेवास नहीं, ठीक है ना, नाम भूल गया, वो देवता की जो कैटेगरी होती है, तो वो सब के सब लोग थे। उन्होंने प्लान बनाया था कि वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ की गायों को चुराएंगे, क्योंकि वो कामधेनु है, कामधेनु से कितना भी आपको दूध मिल सकता है, दही मिल सकता है, घी मिल सकता है,
और घी मिल गया तो बहुत सारा यज्ञ कर सकते हैं। तो उस तरह से उनका प्लान था और बाकी लोग इनको फॉलो कर रहे थे जो भीष्मदेव पूजन में थे। सो हुआर एट, समी रिमेम्बर्स, आठ कौन कौन से होते हैं, आठ क्या होते हैं, विश्व देवास होते हैं, नहीं विश्वदेव नहीं, वसु हाँ वसु वसु वसु, हाँ तो वसु थे, आठ वसु, तो उसमें से ये मुख्य वसु थे। शायद कुछ लोग बोलते हैं उपचारित नाम था शायद, या फिर वसु ही नाम था, आदर अलग अलग ग्रंथों में अलग नाम लिखा हुआ है। तो जब वशिष्ठ को पता चल गया तो वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि तुम लोग देवता रहने लायक नहीं हो, इस धरती पे जाकर प्रकट हो। तो सारे वसु लोग मिलके क्षमा याचना करने लगे, तो उन्होंने वाकई को क्षमा कर दी। उन्होंने बोला कि देखिए श्राप तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन आप जल्दी ही वापस आ जाएंगे तुरंत, सात लोगों को बोला। और भीष्मदेव को बोला नहीं, तुमने क्योंकि प्लान किया था, तुम्हारा अपराध बहुत ज्यादा है, तुमको बहुत लंबा टाइम लगेगा, तुमको उसका घोर अपराध लगेगा। इसलिए बाकी लोग जो थे वो गंगा के और शांतनु के पुत्र बन के आते हैं और गंगा जी उनको बहा देती हैं, वो वापस अपने पोजिशन पे चले जाते हैं, लेकिन भीष्मदेव बच जाते हैं। तो उस तरह से वाकई में वो कौन थे, बड़े देवता थे जिनका एक हिसाब से देखा जाए तो पतन हुआ था। वैसे चक्रवर्ती पाद के अनुसार जो कृष्ण के पार्षद वगैरह हैं, सबके शरीर में दो दो लोग थे, एक नित्य पार्षद और दूसरा देवता के अंश। तो ये देवता के अंश की बात चल रही है, एक भीष्मदेव हमारे भगवान के नित्य पार्षद भी है। ठीक है चलो। तत्र ब्रह्म हर्षया सर्वे देवर्ष्यश्च सप्तम राजरयश्च तत्रासन दृष्टुम भरतपुरावम। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सतगुणी महापुरुष तथा देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा राजऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। हरे कृष्णा। हाँ तो भीष्म देव कैसे शरीर छोड़ने वाले हैं, उनको देखने के लिए ब्रह्म ऋषि राजऋषि बड़े बड़े लोग वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि सबको मालूम था कि भीष्म देव कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और यहां जब कृष्ण प्रकट होने वाले हैं तो पक्का भगवत धाम जाने वाले हैं, वो महाजन है तो इतना सारा ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए उनके डिपार्चर को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर उपस्थित हो गए। और उन सबका नाम यहाँ दिया हुआ है, उनके डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रभुपाद ने सबका इंट्रोडक्शन भी दिया, बहुत लंबा बहुत कोट है। पार्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण ब्रह्मदस्यो भरद्वाज शिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रो संबदो असुतः कक्षीवान गौतमो अत्रिश चाकौशिको अथ सुदर्शन। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। पर्वत मुनि नारद हम ईश्वर के अवतार व्यास ये दश भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद गिरत समर असित कक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि वहां पर उपस्थित थे, पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, धौम्य ऋषि हैं जो वो पांडवों के गुरु हैं, वो वहां पर थे, व्यासदेव स्वयं थे, भरत, परशुराम जो कि उनके गुरु जी हैं भीष्मदेव के, तो वो भी वहां पर उपस्थित हुए थे। तो इस तरह से बड़े बड़े ऋषि वहां पर एकत्रित हुए ये देखने के लिए कि भीष्मदेव कैसे अपना शरीर त्यागने वाले। अन्ने च मुनयो ब्रह्मन्
ब्रह्म रातादयो मलाः शिष्य रूपेता आ जगमुहु कस्य पांग्री रसादयः। पढ़िए इसको। तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। हरे कृष्ण। इस तरह सुखदेव गोस्वामी स्वयं वहां पे थे, कश्यप मुनि, अंगिरस, और ये सब अपने अपने शिष्यों के साथ में आए थे दिखाने के लिए, देखो भाई ऐसे शरीर छोड़ना चाहिए। तो वो सारे सारे लोग अपने वहां पर उपस्थित थे। तान समेतान महाभागान उपलब्ध वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत। पढ़िए इसको। कृष्ण, 8 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति सम्मत ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की कोई भली भांति जानकारी थी। गुरु कृष्ण, इसका मात्र तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य उसका बहुत सुंदर है। तात्पर्य पटु धर्म के भली भांति जानते हैं किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सिद्धारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया है। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पटु होना चाहिए। विष्णुदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतः ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह ये उस समय तक उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठ कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि तो उस समय न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके, इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गुरु कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है बेस्ट अमॉन्ग 8 वसुस, तो एक पक्का है कि वसु वो वसु थे पूर्व जन्म में, और उपचरित नाम था मोस्टली, और किसी किसी ग्रंथ में वसु ही नाम दिया हुआ है, उनका नाम वसु था। तो इस तरह से वो वसु उन्होंने सारे ऋषियों का सम्मान किया, लेकिन कैसे, देश काल विभागवित, देश काल के अनुसार। हाँ, तो उनको मालूम था कहाँ कैसे चीजों का एडजस्ट करना, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को। और प्रभुपाद बता देंगे, प्रभुपाद ने खुद ऐसा किया है। जब प्रभुपाद पश्चिमी देशों में गए तो किसी भी जगह के बावरी को, मैं छोटे से अपार्टमेंट को, किसी भी चीज को स्टोर हाउस को उन्होंने वो बना दिया, मंदिर बना दिया। तो जब साउथ इंडियन लोग जो वहां पे इंडियन थे, एनआरआईज, जब वो वहां पर गए तो प्रभुपाद को क्रिटिसाइज करने लगे, कहने स्वामी जी ये क्या है, गोपुरम कहाँ है, डीटी आपका सही डायरेक्शन फेस नहीं कर रही है, हाँ घंटा नहीं है आपके यहाँ पे। सबसे पहले तो जनरली लोग मंदिर जाते हैं घंटा बजाने के लिए, तो इस्कॉन मंदिर में सबसे पहले आते हैं, देखते हैं यहाँ घंटा कहाँ है, घंटा ढूंढते रहते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद बोले कि ये सब के सब लोग आए थे यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, मिले से देशों में नहीं जाना चाहिए, उसमें वर्जित है वेदों में। पर उसके बावजूद ही वेदों की वाणी को क्रॉस करके सात समुंदर पार उस पार आए, और किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और अपनी संस्कृति को छोड़ के आए।
अच्छा, प्रोपाद जी सारी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पश्चिमी देशों में, प्रोपाद बोले ये लोग कमियां निकाल रहे हैं। तो इसलिए देश काल विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि देश देश और काल के अनुसार व्यक्ति को रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या करने पड़ते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो वो प्रोपाद हमें बता रहे हैं। तो भीष्मदेव क्या कर रहे थे, प्रोपाद यहां लिखते हैं, देखो, ही कुड अटर स्वीट वर्ड्स विद हार्टी एक्सप्रेशंस, मधुर वाणी के द्वारा और अपने जेस्टर्स के द्वारा, कि आपका स्वागत है, आइए बैठिए, उसके द्वारा वो सबका क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्स है। ठीक है, 10th वाला गलत है। कृष्णम चा तत् प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासा माययोपात विग्रहम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भीष्मदेव उनकी पूजा करते हैं, और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है, आस मायो या पत्ता पात विग्रहम। तो मायो पात विग्रहम का ये मतलब हो सकता है कि कृष्ण की युधिष्ठिर महाराज के साथ में अभी अभी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। विग्रह कैसे, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की को योग माया से ढक दिया है, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज शारीरिक चेतना में गिर गए हैं और बोल रहे हैं मेरी वजह से इतने लोग मारे गए, और कृष्ण भी उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। या इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि कृष्ण अपने आप को भीष्म देव के सामने लेके आए, उपात माया, और वो उनकी कृपा थी, तो अपनी कृपा करके वो स्वयं भीष्म देव के सामने प्रकट हो गए थे। तो इसका अगला मीनिंग हो सकता है। अब 11वां वाला, पांडु पुत्रान उपासीनान प्रश्रया प्रेम संगतान अभ्याश्चा अभ्याचष्टानुरागय अरुणागय अनुराग अर्षेर अंधी भूते न चक्षुषा। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, पास्त हाँ जी, महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पिता के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आंसू थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तात्पर्य भी पढ़ना कहूंगी। नहीं रहने दीजिए, आगे हमारे बाद में पवन तत्पर आने वाले। तो इस तरह पढ़ना से, नहीं, मत नहीं पढ़ने से। तो इस तरह से पांडु पुत्र जो थे वो चुपचाप आगे बैठे हुए थे, बगल में बैठे हुए थे, और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो देख रहे थे वो भीष्म देव जिन्होंने हमको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अपना शरीर त्याग रहे हैं, क्योंकि बचपन में ही पांडवों का निधन हो गया था। पांडवों के निधन के कारण सारे के सारे पांडव अनाथ हो गए थे, तो भीष्म देव ने उनको उनका भरण पोषण किया, उनकी देखभाल की, हाँ बल्कि भक्ति भी सिखाई, सबको सिखाया। पर अभी भीष्म देव क्या कर रहे हैं, वो शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह से वो सबके सब कष्ट में थे, और भीष्म देव यहां समझ गए थे कि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए।
और अब देखिए भीष्मदेव क्या बोलते हैं, मतलब क्या स्टाइल है उनका युधिष्ठिर महाराज को पेसिफाई करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ लोग डिटेल में जाएंगे। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यू यम धर्म नंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रयः। अब पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा, भीष्म देव ने कहा, ओ तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे, उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्म देव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाहते थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, श्री भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं, अतएव जब तक वे इन तीन महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित है, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्म देव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्म देव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं, भीष्मदेव बोल रहे हैं आपका डिसीजन गलत नहीं था। क्यों क्यों गलत नहीं था आपका डिसीजन? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विप्र धर्मा अच्युत आश्रय, आपने तीनों का आश्रय लिया। विप्र मतलब ब्राह्मणों का, धर्म का और अच्युत मतलब भगवान का। तो तीनों का जब आप आश्रय ले रहे हैं और उसके हिसाब से कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन गलत कैसे हो सकता है? प्रूफ क्या है इसका? क्योंकि आपने इन तीनों का आश्रय लिया, इसीलिए अभी तक आप जीवित हैं। आप बोल रहे हैं मेरी वजह से इतने लोग मारे गए, अरे हमको तो यही आश्चर्य है कि आप कैसे नहीं मारे गए। आप नहीं मरे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो आप नहीं मारे गए ये इतना बड़ा प्रूफ है कि आपने हमेशा ही विप्र धर्म और अच्युत मतलब ब्राह्मणों का, धर्म का और भगवान का आश्रय लिया है। तो इसलिए आपको अननेसेसरी पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका डिसीजन गलत हो नहीं सकता। तो आप नहीं मरे ये आश्चर्य वाली बात है, ये आश्चर्य वाली बात नहीं कि इतने लोग नहीं मरे। तो बीच में से उल्टा प्रहार कर रहे हैं उनको, वो बोल रहे हैं मेरी वजह से लोग मारे गए। उसने बोले गए अरे आप नहीं मारे गए ये असर की बात है। तो ये सिंह सपोज चक्रवर्ती पात का मैं पढ़ लेता हूँ क्या बोलते हैं। वो चक्रवर्ती पात क्या बोलते हैं कि भीष्मदेव बोल रहे हैं कि ये सब जो भी युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, कौन इसका कारण है? धर्म अच्युत आश्रया, अच्युत से कारण है, भगवान विष्णु से कारण है। क्योंकि भगवान विष्णु इस संसार में चीजों को यहां से वहां तक स्थानांतरित करते हैं और मेंटेन करते हैं। हाँ, इसीलिए क्लिष्टम, आप अननेसरी अपना जीवन दुख में मत बिताइए। अरे मेरी वजह से लोग मारे गए, मेरी वजह से भाई लोग मारे गए। आपकी वजह से कुछ नहीं होता है, सब कुछ इसकी वजह होता है, कृष्ण की वजह से होता है। तो कम से कम भगवान ने उसका सेंक्शन तो दिया है ना। भगवान अगर सेंक्शन नहीं देते तो आप इच्छा करके भी युद्ध कैसे कर पाते? इसलिए अपने आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत ले लीजिए कि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए। नहीं भाई, भगवान ने सेंक्शन किया तभी तो लोग मारे गए है ना। तो इस तरह से
हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा लेसन है कि स्वयं ये नहीं सोचना चाहिए मेरी वजह से मूव कर रही है, सब कुछ क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि भगवान ने सेंशन दिया। अदरवाइज कई बार क्या होता है, ड्यूटी से वो डिस्टर्ब हो जाता है, बोलते हैं ये इलेक्शन हार गया, वो जीत गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, अब क्या होगा, वो क्या होगा। ठीक है, थोड़ी एंग्जाइटी लेना ठीक है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी लेने की आवश्यकता नहीं है लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ भगवान ही करवाने वाले हैं ना, एटलीस्ट भगवान का सेंक्शन तो है ही उसमें। तो जब भगवान का सेंक्शन है तो भगवान देखेंगे ना, आप अपना रोल करिए, इतना ज्यादा चिंता करने की अब क्या हो सकता है। संस्थिते अति अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधु युष्मत् कृते बहून सो बहून क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। हाँ, पढ़िए इसका, इसका भी अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा, जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, तो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य, कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाते हैं, राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए, तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतः तो उसके कष्ट जैसे कि तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस तरह से वो उदाहरण दे रहे हैं कि और आपने जितना कष्ट नहीं उठा उतना आपकी माँ ने उठाया है। एक विधवा है, खासकर छोटे छोटे बच्चों के साथ है, ऐसी विधवा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, तो ये सब किसके कारण है, ये विधाता के कारण है। तो ये मत सोचो ये सब आपके कारण है, ये सब किसके कारण है, विधाता के कारण है। अन्यथा भाई कुंती ने ऐसे कौन से पाप किए थे जो उसको इतने दुख मिले। तो हालांकि साधारण लोगों को दुख मिलते हैं किसके कारण, उनके कर्मों के कारण, किंतु जहां तक भगवान के शुद्ध भक्तों की बात आती है, उसका कारण भगवान स्वयं ही होते हैं। वो भी हम भीष्म देव के प्रसंग में भी देखेंगे, भीष्म देव अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन में आने वाले हैं। और ये बड़ा फेमस श्लोक है, ये वर्थ मेमोराइजिंग। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वसे लोको वायुरेव घनावलिः। इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में यह उसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। इसी प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है। जो भी भौतिक जगत में श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है, अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक वह काल की क्रियाकलाप क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम
उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो फिर भीष्मदेव बोलते हैं, तो आपको इतने कष्ट मिले, कुंती महारानी को इतने कष्ट मिले, अरे कष्टों का कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये कर्मों के कारण है, क्योंकि जहां तक आपकी बात आती है युधिष्ठिर महाराज, आप धर्मसुत हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने अभी कुछ गलत काम किए हैं जिसकी वजह से ऐसा है, या फिर पुराने कुछ गलत काम किए जिसकी वजह से ऐसा है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो आप बोल सकते हैं ऐसा, तो बोलते ये सब काल की वजह से है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि लेकिन जहां तक काल की बात आती है, काल तो मात्र सुख और दुख हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार देता है। तो काल को दोष देना तो उचित नहीं है। हाँ, तो आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हमारे प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण हमने कोई बहुत पाप किए हैं, इसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। तो भीष्मदेव कहते हैं नहीं, अगर हम बोलें कि भाई धर्म स्वयं प्रारब्ध कर्मों की वजह से परेशान है, तो ये तो उचित नहीं है। हाँ, तो आपके वजह से नहीं हो सकता है, आपके कुकर्मों की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। और उसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं, डिटेल में बताते हैं अगले श्लोक कि कैसे समय ही होना चाहिए, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांड विंचापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्। पढ़िए इसका अर्थ बताकर। हरे कृष्णा, वो अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले वैशाली महान धनुर्धर अर्जुन और सबसे ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितेशी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती है? तात्पर्य, जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितेशी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। तुम्हें पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई, पुण्य कर्म की शक्ति, कर्तृत्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी। इन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतः काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश से परे हो, तो पछताने से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि पाप के कारण व्यक्ति को दुख होता है, पर ये तो धर्म सुतो राजा। अरे भाई युधिष्ठिर महाराज, आप तो धर्म के पुत्र हैं, आप पाप कैसे कर सकते हैं? तो अगर पाप के वजह से कष्ट होता है, तो पाप तो कारण नहीं हो सकते, आप तो धर्म के बेटे हैं, सुत हैं, तो उसकी वजह से तो नहीं हो सकता है। फिर कुछ भौतिकवादी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं, आपके पास स्किल्स नहीं है ना, अगर स्किल्स नहीं है, एक मेटल एबिलिटी नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। उसके लिए भीष्म देव क्या बोल रहे हैं, गदा पाणिर्वृकोदरः,
अरे भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा जहां पर हैं वहां पर मेटल स्किल्स की कमी कहां से हो सकती है, इतने शक्तिशाली योद्धा हैं। तो कोई बोल सकता है कि हाँ, लेकिन एक चीज गलत है। क्या गलत है? डायरेक्शन ठीक नहीं है, मतलब गाइडेंस ठीक नहीं मिला है उसके लिए। वो क्या बोल रहे हैं, कृष्णो अस्त्रि गांडीव चापम। अरे भाई कृष्ण स्वयं उनको गाइड कर रहे हैं तो कोई गलती कहां से हो सकती है। सुहृत कृष्ण था तो पद, हाँ सुहृत है कृष्ण, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गाइड कर रहे हैं, कृष्ण इतना प्रेम कर रहे हैं, हितैषी हैं आपके, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो कहाँ से विपद आ सकती है, कहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं। तो क्या कारण है कि ये सारे के सारे विपद जो रिवर्सल है वो आपके ऊपर आ रहे हैं? तो बोल रहे कि इसका मतलब क्या है, काल ही कारण है, समय के प्रभाव है। तो प्लस टू में पूरा एपिसोड कंप्लीट करके फिर मैं क्वेश्चन लूंगा अभी, ठीक है? क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन मुझे पता है कि वो अभी आंसर होंगे, सो विल टेक आफ्टर द एपिसोड। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, हाँ एक मिनट रुकिए, चक्रवर्ती पात का थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, चक्रवर्ती पात कपिल मुनि को कोट करते हैं, ना कर हे चेन्द मत पता परा शांता रूपे नांगछति नो हमें अनिशो ले दी हेति ही येषा महम प्रिया आत्मसुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवम इष्टम। तो इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि जहां तक मेरे भक्तों की बात आती है काल उन पर प्रभाव नहीं डालता है, तो जो मुझे प्रेमी पुत्र भाई इसकी तरह देखते हैं वो काल से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हम देखते हैं जो द्वारका की रानियां थी सारी रानियों ने काल को कंट्रोल किया हुआ था। कहीं किसी महल में कृष्ण की सुबह चल रही थी, कहीं दोपहर चल रही थी, कहीं रात चल रही थी, तो देवर कंट्रोलिंग टाइम, जब चाहे दिन जब चाहे रात। तो भाई काल उनको प्रभाव कैसे डाल सकता है, हाँ जो कि भगवान के साथ में दास रख साख रस के साथ में थे, या कुंती महारानी तो वासल रस में थी, तो ऐसा कैसे संभव है, हाँ ऐसा कैसे संभव है कि समय उन पर प्रभाव डाल रहा है। हाँ तो समय तो आप वो ऐसा बोल रहे हैं भीष्मदेव, जैसे कोई कर्म के कारण ही हो रहा है, उन्हें कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए काल के साथ में उनको बुरे कर्म का प्रभाव परिणाम मिल रहा है। तो क्या कारण है, अभी कारण ढूंढ रहे हैं वो। अब भीष्मदेव धीमे धीमे उत्तर पे आ रहा है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली उत्तर है। नाहि यस्य कर्हि चित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे हाँ जी राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य, महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्म देव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर को के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्म देव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाहते थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतएव पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे,
भीष्म देव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्म देव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म देव जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो वो यहाँ पर साफ साफ क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो बता देते हैं, एक काल नहीं है, एक कृष्ण है। कृष्ण के कारण इतने सारे दुख आपको प्राप्त हुए हैं। और प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि पांडव लोग तो कंफर्टेबल थे, बोले थे हमको 5 गांव दे दो, फिर बोलते भाई गांव भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग जंगल में रह लेंगे, क्यों हमारे वजह से इतने लोग मारे जाएंगे। तो वो लोग नहीं चाहते कि दूसरों को कष्ट दिया जाए, या फिर वो नहीं चाहते थे कि कोई राज्य प्राप्त हो, वो अपने आप में संतुष्ट थे। लेकिन कृष्ण संतुष्ट नहीं थे, कृष्ण चाहते थे कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए वो अपने भक्तों को कष्ट देना चाहते थे ताकि उन कष्टों को लेके भक्त लोग उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि क्या है, वैष्णव धर्म की सब जगह स्थापना करना। इसलिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों को कष्ट देते हैं, जैसे माधवेन्द्रपुरी, माधवेन्द्रपुरी इतनी उम्र हो गई थी उनकी, और कृष्ण उनको बोलते हैं कि जाके हमारे लिए चंदन लेके आओ, पहले हमको बोला बाहर निकालो, फिर बोला हमारा अभिषेक करो, फिर कहते हैं जाओ हमारे लिए चंदन लेके आओ। अरे माधवेन्द्रपुरी जो बढ़िया अजगर वृत्ति फॉलो कर रहे थे, जप करते रहो, कुछ आ गया तो खा लो, वरना अपने आप में भगवान की सेवा में अपना या भगवान के नाम में मग्न रहो। लेकिन इतने सारे कष्ट, डॉक्यूमेंट लेके जाना, उस समय तो इतने सारे राजा थे, इतने सारे राज्य थे, सारे राज्यों में टैक्स पे करना, चीजों क्लियर कराना, लोग एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, एक्सप्लेनेशन देना, तो ये अपने आप में बहुत कष्ट देने वाली चीजें हैं। लेकिन भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उसको कष्ट की तरह नहीं देखते हैं, वो उसको देखते हैं बर्डन ऑफ लव, जिसको प्रभुपाद बोलते हैं। जैसे माता अगर अपने बच्चे को उठाई है, कई बार बच्चा हष्ट पुष्ट होता है एकदम, हाँ मोटू ताजा एकदम होता है, तो माँ को नहीं लगता, यही लगता है कि इतना मोटा पैदा हुआ है, वो तो देख देख खुश होती रहती है कि इतना स्वस्थ बच्चा है हमारा। तो उसको जब वो उठाती है तो उसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव। तो इसी तरह से भक्त लोग जब भगवान के लिए कष्ट दिखा उठाते हैं तो वो लोग उसमें आनंद लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, इतनी इतनी प्रॉब्लम है हमारे इस्कॉन सोसाइटी में, तो आप कैसे मैनेज करते हैं। हाँ इन्होंने भी पूछा था, अभी याद आया मुझे, ये खुद उन्होंने बताया था हमको, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने। तो उन्होंने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बोले कि उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि हम तो छोटा सा जो इस्कॉन का पार्ट है, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, हम उसको मैनेज कर रहे हैं और इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, प्रभुपाद आप पूरे इस्कॉन को कैसे मैनेज करते हैं। प्रभुपाद बोले कि आई डोंट सी डिफिकल्टीज, आई सी सर्विस टू कृष्णा एंड गुरु। मैं वहां पर दिक्कतें नहीं देखता हूँ, मैं कृष्ण और गुरु की सेवा देखता हूँ उसमें। तो मुझे मैं ये देखता हूँ कि कृष्ण और गुरु की सेवा कैसे की जाए, मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये दिक्कत क्यों आई है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे दिक्कत क्यों आती है यार, इसे अच्छा तो आराम से शांति से बैठते। प्रभुपाद बोले मैं ये नहीं देखता हूँ, ये देखता हूँ, अरे ये आई दिक्कत आई है, मतलब भगवान की सेवा कैसे की जाए, तो वो मुख्य केंद्र है, तो वो एब्जॉर्प्शन है भक्तों का। तो इसलिए ये सारे जो देखने में कष्ट लग रहे थे, पांडव लोग उसमें एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अभी युधिष्ठिर महाराज कुछ शारीरिक चेतना में आ गए हैं जिसके कारण वो पश्चाताप कर रहे हैं। इस तरह से अच्छा, अभी चक्रवर्ती पात के पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है, तो हर चीज का सार क्या है। हाँ तो वो बताते हैं सार क्या है, सार क्या है, जो कृष्ण चाहते हैं उनके प्लान के अलावा इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। तो लोग पूछ सकते हैं प्लान क्या है, तो वो कहते हैं अरे भाई ब्रह्मा जी शिव, और ब्रह्मा और शिव जब नहीं समझ सकते तो हम क्या समझेंगे, हम तो ब्रह्मा और शिव के
तुलना में बहुत छोटे से व्यक्ति है। तो युष्य मानस कहते हैं ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है लेकिन हम पूछना तो चाहिए, क्या वो चाहते हैं कि हम दुखी हों या वो हमको सुखी करना चाहते हैं। हाँ तो क्या चाहते हैं ना, तो विष्णुदेव कहते हैं कि दुखी तो नहीं हो सकता है, अदरवाइज वो अपने भक्तों को से प्रेम कैसे करेंगे। हाँ और दूसरा भी नहीं हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि भाई बहुत सुख मिलने वाला है। तो बात यह है कि हम नहीं समझ सकते हैं कि क्या कारण है, क्योंकि हमको लग नहीं रहा कि कुछ भगवान ने सुख दिए हैं, और जहां दुख की बात आती है तो भगवान अपने भक्तों को दुख दे नहीं सकते। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुह्यन्ति कवियोपि ही, मुह्यन्ति कवि, कवि कौन है, जो लोग सही गलत अच्छे समझ जाते हैं उनको कवि कहते हैं, जब वो नहीं समझ पाए तो मैं कैसे समझूंगा। ओके ठीक है, 5 मिनट बचा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, परास्पुरु का भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो उसको ले लेंगे और कन्वर्सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ हरकृष्ण बोल जी। जी यस बोलिए। हाँ तो जी इन वर्स नंबर 13, वर्स नंबर 13 इन द ट्रांसलेशन इट इज रिटन दैट ओ हाउ वंडरफुल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनएविटेबल टाइम, इट इज इररिवर्सिबल, अदरवाइज हाउ कैन देयर बी रिवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ किंग युधिष्ठिर सन ऑफ डेमिगॉड्स कंट्रोलिंग इन A great fighter with a club and a great woman. Friends, would you like previously there was a time where there is the support of Krishna and there is a team is there with so much of prowess. Arjuna was there, but still the time is such that they were having problems, and again. At the time, at the present time, when they have won the war and so all the Pandavas are came to meet Bhishmadev with you know, all the ornaments and all. So the time now the time is in their favor. So like here, I mean, Bhishmadev wants to like say that it is all. In the hands of the Lord. So time there was the time where everything was there, but still it is not their favor. But now it become favor like that. Is it so or ओके ओके सी, जो भीष्म देव हैं वो अल्टीमेटली क्या बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, ये समझने की कोशिश मत करिए कि ऐसा क्यों हुआ जो कृष्ण बोल रहे हैं, उस चीज का पालन करिए, वो उसको कंक्लूड करना चाहते हैं। क्योंकि जहां तक शुद्ध भक्तों के का जो आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, वो चीजें तो लॉ ऑफ कर्मा के बियॉन्ड है। जब वो लॉ ऑफ कर्मा के बियॉन्ड है तो वो किस में आ जाती है, वो रस तत्व में आ जाती है। तो भक्तों के बीच में क्या, भक्त और भगवान के बीच में क्या रस तत्व है, भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंटरनल चीजें हैं और ये साधारण लोग नहीं समझ सकते, बल्कि भक्त लोग खुद नहीं समझ सकते। अरे भाई व्रजवासियों को समझ में नहीं आ रहा था भाई हमने कौन से पाप किए थे जो कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। हाँ व्रजवासी सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं, तो कौन समझ सकता है कि क्यों किस कारण से कृष्ण ने ऐसा किया। तो वो रस है, आचार्य लोग बताते हैं कि कृष्ण क्यों व्रजवासियों को छोड़ के गए, क्योंकि जब कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे तो राधा रानी को लगता है कि अगर कृष्ण हमको छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, एंड सी बिकम्स इनसिक्योर। तो कृष्ण बोलते हैं बाप रे, मेरे रहने के बावजूद जब इतनी इनसिक्योरिटी है तो इससे ज्यादा प्रेम मैं व्रजवासियों को नहीं दे सकता हूं।
इससे ज्यादा प्रेम तभी हो सकता है जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और वो मेरे मुझे भूल ही नहीं पाएंगे। कि जितना ज्यादा व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण में एब्जॉर्ब रहता है, उतना ज्यादा उसको आनंद मिलता है। तो जितना ये एब्जॉर्प्शन जो पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा तो पराकाष्ठा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कृष्ण छोड़ के जाते हैं। कृष्ण छोड़ के जाते हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि विप्रलंब भाव क्या होता है, जो कि व्रजवासियों ने देखा है, दैट इज द हाईएस्ट। तो चलिए, ये सारी चीजें समझना इतना आसान नहीं है, और वही विष्णु देव यहाँ पर बता रहे हैं। धीरे धीरे वो उसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ओके, प्लस प्रो। थैंक ठीक है, तो इसको हम लोग, हाँ नेहा माता जी, अनम्यूट कर, अनम्यूट। हाँ नेहा माता जी अनम्यूट करिए। सॉरी सॉरी प्रभु जी, टेक्स्ट नंबर 13 के ट्रांसलेशन में लिखता है कि शी बिकेम अ विडो विथ मेनी चिल्ड्रन एंड देयर फॉर शी सफर्ड ग्रेटली एंड वेन यू ग्रोन अप शी सफर्ड अ ग्रेट डील ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। तो वो पांडवों के कौन से एक्शंस थे, इंटेंशनल एक्शंस, जिनके कारण कुंती महारानी को कष्ट हुआ? एक्शंस अगर बोला जाएगा तो वो एक्शंस मतलब जो पांडव लोग को युद्ध करना पड़ा, अभिमन्यु लॉस्ट इस बॉडी, अभिमन्यु चला गया, पांच पांडवों के जो पुत्र थे वो सारे सारे पुत्र चले गए, मतलब जो भी आपने किया और इतने सारे बार आपको मारने का प्रयास किया गया, उस सब के कारण दुख मिला। सो इट इज मोर ऑफ सेइंग के यू बिकेम विक्टिम। ठीक हाँ ओके प्रोफेसर, है, ओके, चलो तो हम एंड करेंगे हम। कंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय, हरे कृष्ण। संडे को क्लास है ना हमारी?